असाइन हो। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो वार्ड नंबर 8 को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन यहां पे पास 9x2 - x2 - 4 होल स्क्वायर / 4 + 3x - x2। डोमिनेटर के अंदर आपको एक ब्रैकेट आ रहा नजर आ रही है, सुपर स्क्वायर आ रहा है। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि हम इसको स्क्वायर ओपन ही करेंगे। स्क्वायर ओपन करेंगे तो मिक्सिंग हो जाएगी, तो बेहतर ये इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वर्क करो, जो मैं कन्वर्ट करते हैं इसको बाद में सॉल्व करते हैं, इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहां पे क्या करते हैं, 9 लिखो है तो 9 का स्क्वायर होता है 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो यहां पे लिख दिया 9 की प्लेस की जगह 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर इसी तरह x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, होल को चेंज नहीं की, जस्ट 9 की जगह पे आप लिख दिया 3 का स्क्वायर, 4 plus 3x minus x square denominator जो denominator था उसी तरह लिखिए। देन इसके बाद यहाँ पे दोनों अगर पावर सेम हो तो बेसिस बेशक सेम रहा हो, लेकिन अगर पावर सेम हो तो पावर को मानना है नहीं, स्क्वायर पर स्क्वायर लिख दिया और इनकी बेसिस को जो है वो आपने मिला दी, माइनस x square minus 4 होल स्क्वायर by 4 plus 3x minus x square। अभी आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो a का स्क्वायर है और माइनस सेकंड ब्रैकेट जो है वो b का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको फॉर्मूला पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में यहाँ पर सेपरेटली फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला जो है वो आपके पास होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वो इक्वल होता है a प्लस b वन a माइनस b, यानी फर्स्ट टाइम प्लस में और सेकंड टाइम माइनस में, a प्लस b यानी माइनस। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या करते हैं, 3x को आपने क्या करना है, a की वैल्यू लिख देनी 3x प्लस और ये आपने लिख देना है x स्क्वायर माइनस का 4 और नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है 3x इस तरह लिखेंगे 3x और यहां पे पहले क्या लिखा था प्लस लिखा था ब्रैकेट में लिखेंगे फिर माइनस के ब्रैकेट में लिख देते हैं, b की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 4 और y की वैल्यू जैसे ऐसे लिख देंगे 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। तो अभी क्या करते हैं, यहां पे माइनस आ रहा है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे प्लस आ रहा है तो ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 4, यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हम करते हैं माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इसी तरह लिखो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, अगर माइनस किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनके साइन चेंज होते हैं, यहां पे क्या लिखा माइनस x स्क्वायर और माइनस इन माइनस प्लस 4 और y के नीचे क्या आ गया 4 प्लस 3x माइनस एक्स के। आप एक चीज को नोट किया होगा कि डिनोमिनेटर को हम नहीं छेड़ रहे, जब हमने डिनोमिनेटर को जो है वो हमने एक फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट किया, फॉर्मूला ओपन किया प्लस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के साथ और माइनस वो भी मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गए। तो अभी आप गौर से देखें जो ये सेकंड लास्ट से लास्ट में जो आ रही है हमारे पास ब्रैकेट और जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 3x माइनस एक्स के प्लस वो डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है 4 प्लस 3x माइनस एक्स के, जस्ट प्लेस चेंज है, वैल्यू भी सेम है, साइन भी सेम है, क्योंकि कैंसिलेशन कर लेते हैं यहाँ भी आप इसमें कैंसिल हो गए तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया x स्क्वायर की अभी सीक्वेंस से लिख लेते हैं प्रतीक से लिखते हैं पहले x स्क्वायर लिखा फिर उसके बाद प्लस 3x माइनस हो ये आपके पास आंसर आ गया क्योंकि ये मजीद रिड्यूस नहीं हो सकता।